हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, लेसन नंबर 16, एक्सेंट वर्ड्स। क्या है एक्सेंट वर्ड्स? एक्शन वर्ड्स, वो नाम में ही हमको पता चल जाता है कि जिसमें कुछ न कुछ एक्शन होते हैं। और हम कौन कौन से एक्शन करते हैं पूरे दिन में, जैसे कि खाना, बैठना, उठना, चलना, सोना, दौड़ना, है ना, कलर करना, लिखना, जंप करना यानी कि कूदना, वो सब क्या हुआ हमारा एक्शन। हम कभी खाने का एक्शन करते हैं, कभी सोने का एक्शन करते हैं, कभी लिखने का करते हैं, कभी दौड़ने का, तो वो सब कहा जाता है एक्शन। फिर इधर देखो साइड में क्या कहा है, वर्ब्स, यानी कि इनको एक्शन भी कहते हैं, एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं और वर्ब्स ही कहते हैं। पर ये कैसे वर्ब्स हैं जिसमें एक्शन होता है ना, वो वाले वर्ब्स। आगे हमने जो लिंक वर्ब सीखे थे, एम इज आर, वॉज वेयर, वैसे ही अब ये हैं, अब एक्शन वर्ड सीखते हैं, ठीक है। तो उसमें लिखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, यानी कि नीचे ये जो सेंटेंस दिए हैं उसको आपको केयरफुली रीड करना है। फर्स्ट है ओपन योर बुक्स, अपनी बुक खोलो, उसमें एक्शन कौन सा हुआ, खोलने का, यानी कि ओपन करने का एक्शन हुआ। ओपन योर बुक्स, बुक, आपकी बुक खोलो, ये खोलना क्या हुआ, एक्शन हुआ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो ये खड़ा होना, वो भी क्या हुआ, स्टैंड यानी कि एक्शन हुआ। फिर है वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो, तो हाथ धोना, ये भी क्या हुआ, वॉश, एक्शन हुआ। तो अब इधर लिखा है, इन द अबोव सेंटेंसेस द वर्ड्स ओपन, स्टैंड एंड वॉश आस्क यू टू डू समथिंग। इसमें कहा है कि ऊपर ये जो तीन सेंटेंस हैं उसमें ये ओपन, फिर ये स्टैंड और फिर ये वॉश, ये तीनों जो हैं, ठीक है, कौन कौन से, इसमें ये जो तीन एक्शन हैं, ओपन, स्टैंड एंड वॉश, ओपन, स्टैंड एंड वॉश, ये तीनों जो है एक्शन, वो आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं। जैसे कि अपनी बुक खोलो, खड़े हो जाओ, हाथ धो लो, है ना, आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं। तो दे आर नोन एज डूइंग वर्ड या तो फिर एक्शन वर्ड्स। तो ये ओपन, स्टैंड, वॉश, ये सब कौन से वर्ड हैं, डूइंग वर्ड कहे जाते हैं या तो फिर एक्शन वर्ड्स कहे जाते हैं। अगर आपको कोई भी पूछे कि वॉश क्या है, तो आप क्या कहोगे, एक्शन वर्ड। ईट क्या है, एक्शन वर्ड। ड्रिंक, एक्शन वर्ड, ठीक है। एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड दोनों एक ही हैं। अब देखते हैं उसकी एक्सरसाइज आगे। एक्सरसाइज में है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ द अप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड्स। नीचे जो ब्लैंक्स दी गई हैं उसमें सही एक्शन वर्ड लिखकर हमको ये आंसर इधर लिखने हैं। तो मैं पहले आपको ऑप्शन बता दूं, सिंग यानी कि गाना, ड्रिंक पीना, रिंग यानी कि बेल बजना, से कहना, ड्राइव, पता है ना गाड़ी ड्राइव करते हैं वो, चलाना, गो जाना, कॉल बुलाना, ओपन खोलना, सिट बैठना, वॉक चलना, कलर जो हम कलर करते हैं वो कलर करना, ब्रश, वो भी आपको पता है ब्रश। अब देखते हैं नीचे ब्लैंक वन बाय वन। तो उसमें एक एग्जांपल, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, हमारे लिए एक एग्जांपल दिया है। ब्लैंक है, फिर है अवे, अवे मतलब जाओ, है ना। तो उसके लिए क्या
सही वर्ड होगा गो अवे, यानी कि इधर से जाओ। फिर डैश योर टीथ, तो टीथ को हम क्या करते हैं ब्रश, तो हमने क्या लिखा इधर ब्रश योर टीथ। फिर है डैश द बेल, तो बेल क्या होती है बजती है ना, बेल में रिंग बजती है, तो हम उसको क्या कहेंगे रिंग द बेल। फिर डैश द कार स्लोली, तो कार स्लोली चलाओ है ना, ड्राइव ड्राइव द कार स्लोली। फिर है डैश ऑन द फुटपाथ, तो फुटपाथ पे फुटपाथ पर चलो, ठीक है, जो जहाँ पे चलने का हो वहाँ पर ही चलो, तो वॉक ऑन द फुटपाथ। फिर डैश अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का ग्लास पियो, ड्रिंक है ना। फिर कॉल द सर्वेंट, यानी कि सर्वेंट को बुलाओ। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। फिर सिंग डैश अ सॉन्ग, तो हम क्या करेंगे सिंग अ सॉन्ग, गाना गाओ। फिर है डैश ऑन द चेयर, तो सिट ऑन द चेयर, चेयर पे बैठो। डैश द पिक्चर विथ क्रेयॉन्स, अब क्रेयॉन्स है तो कलर ही होगा ना, कलर द पिक्चर विथ क्रेयॉन्स, यानी कि पिक्चर्स को क्रेयॉन कलर करो। डैश गुड मॉर्निंग टू योर टीचर, से गुड मॉर्निंग टू योर टीचर, अपनी टीचर को गुड मॉर्निंग कहो, है ना। तो ये सारे थे एक्शन वर्ड जो पेंसिल से लिखे हुए हैं, जो इस बॉक्स में दिए गए हैं वो सारे क्या हैं एक्शन वर्ड हैं, और इधर ये जो पेंसिल से ब्लैंक में लिखे गए हैं वो सारे एक्शन वर्ड है। तो ये एक्सरसाइज आपको घर पे लिखनी है और एक्शन वर्ड ये जो सारे हैं वो आपको याद रखने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।